अब देखिए, दो आर्टिकल्स हैं, ए और बी। ए 30% सीआई है 2 साल का, और बी में 20% एसआई है 3 साल का। इंटरेस्ट दिया है 900, तो प्रिंसिपल बताना है। एकदम चुटकियों में हल करेंगे, बहुत ही। 30% सीआई 2 साल का, तो 2 साल का 30% सीआई आपको एस में बताया गया है कि 69% होता है। तो 69% 2 साल का है, और 3 साल का एसआई, तो 60% ये हो गया। इन लोगों का डिफरेंस हुआ 9%, और 9% का जो वैल्यू दिया है इंटरेस्ट 900, यानी 1% की वैल्यू 900 भागा 9 100 हुई। तो 100 की वैल्यू 100 से गुणा कीजिए, ₹10,000 हुई। इस तरह आप निकाल सकते हैं, 900 और भागा 100, 1 की वैल्यू 9 हुई, तो 100 की वैल्यू ये 9% की वैल्यू दिया है, और 100% के हमें निकाल देना है, तो 1,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरी तरफ देख सकते हैं, प्रिंस दो आर्टिकल है ए और बी, 20% की दर से सीआई 2 साल का, और 30% के एसआई 2 साल का। डिफरेंस ब्याज है ₹320। तो सीआई 2 साल का 20% की दर से देख सकते हैं 44% है, और एसआई 2 साल का 60 हो जाएगा, 30% है, तो डिफरेंस 16 का है, और इसकी वैल्यू दिया है इंटरेस्ट 320, यानी 16 की वैल्यू 320 है, तो 100 की वैल्यू 16% की 2,000। इस तरह हो जाएगा 16 दूना 32, इसका 20 गुना है, तो 100 में 20 से गुणा करेंगे 2,000। इस तरह आप चुटकियों में सवाल निकाल सकते हैं किसी भी सवालों को, लेकिन तभी है जब आपको रेट इंटरेस्ट मालूम रहेगा कि सीआई क्या होता है। 5% का पहले साल का कितना है, दूसरे साल का, तीसरे साल का कितना होता है, 10% का कितना, 8% का, 15% का, 20% का, 25, 30, 40, सब याद रखना होगा आपको, तभी ये सवालों को आप चुटकियों में हल करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने चंद सेकंडों में आपको हल किया।